सो हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फर्स्ट आई विल ओपन द बुक एंड देन आई विल टेल यू अबाउट दिस बुक। सो लेट्स अनबॉक्स इट्स। सो या सो गाइज, मैं अभी इसका रिव्यू बताने वाली हूँ कि ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। एंड जब मैंने ये बुक खरीदा था, पूरा जब मैंने इसका रिव्यू देखा, जब मैंने इसको बुक को चेक किया, आई सरप्राइज कि ऐसा बुक भी हो सकता है नीट के लिए। सो मैं स्टार्ट करती हूँ इसका रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि इसका ये ओसवाल बुक है। सो बेसिकली ये NTA के नीट UG मॉक एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो आप लोग जानते होंगे कि NTA ने सिलेबस चेंज कर दिया है एंड कुछ कुछ पोर्शन भी डिलीट कर चुके हैं इसके, तो ये बुक उसके अकॉर्डिंग ही ये पब्लिश हुआ है। सो गाइज, आप ये इसका फ्रंट पेज भी देख सकते हो, फ्रंट साइड कितना मस्त वाइब आ रहा है। कितना पे देख सकते हो, 100% अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, 2000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट पेपर। सो गाइज, आप थर्ड पर्सन में देख सकते हो ये एग्जाम रेडिनेस विद स्मार्ट माइंड मैप्स और निमोनिक्स। सो बेसिकली मैं इसके आगे वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या है। फोर्थ में आप देखो वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट है विद एक्सपर्ट टिप्स और क्रैक नीट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फाइव में लिखा हुआ एग्जामिनेशन एनालिसिस। सो इसमें 10 ईयर PYQ है विथ जो अभी NTA ने लेटेस्ट सिलेबस जो अपडेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 10 ईयर PYQ है। सो दिस बुक इज वंडरफुल। सो गाइस आगे बढ़ते हैं इसके पूरे रिव्यू के। सो गाइस मैं अब सेकेंड पेज टर्न करती हूँ। सो आप गाइस देख सकते हो कितना ये मस्त लग रहा है। अटेंडेंस मेडिकल एक्सपेरिमेंट एविलिट योर नीट प्रिपरेशन विद ओसवाल 360। मैं सेकेंड पेज अब टर्न कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप देखना। सो गाइस आप यहाँ पे कंटेंट देखो, तो फर्स्ट में लिखा ओसवाल बुक एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नीट एग्जाम पैटर्न हाईलाइट, ट्रेन एनालिस फॉर 2000 to 2014, लेटेस्ट सिलेबस 2024। सो एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मॉक टेस्ट पेपर जो कि ये सबसे बेस्ट है। एंड इसमें माइंड मैप, निमोनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बुक की मैं एक अच्छी बात बताती हूँ, आपको कहीं मिला आपने कभी भी बुक देखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के निमोनिक्स मिले होंगे, बट क्या आपको पता है बायोलॉजी एंड फिजिक्स के निमोनिक्स भी इसमें हैं। बट मेरे को तो अभी तक पता नहीं चला अदर बुक में ये निमोनिक्स है कि नहीं है, लेकिन इस बुक में बायोलॉजी एंड फिजिक्स के भी निमोनिक्स हैं जिससे आप गाइज अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप इसका पेज भी देखो कितना वाइब आ रहा है गाइज, ये देखो। तो गाइज आप नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ, उसके बाद आप देखना। सो आप यहाँ पे देखो नीट एग्जाम पैटर्न हाईलाइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन नीट 200 क्वेश्चन। सो इसमें बेसिकली इसमें बताया गया है कि नीट में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन कैसे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस टाइप को इसको देखो, फिर मैं बताऊँगी क्या है। गाइज बेसिकली ये ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2023 टू 2040 14 तक के जो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे 11th एंड 12th के जितने क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। सो आप देख सकते हो 2023 2022, सो 14 तक में इसमें बेसिकली इसमें कितने क्वेश्चन, 2023 में टोटल 2 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 2020 में 4 और 19 में 2, 18 में 1, 17 में 1, 16 में 1, 16 में 1, नीट 1, नीट 2 में एंड 2015 में 2 और 2014 में 1। सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि इस जो इस बुक से ये पैटर्न के बुक से इस सारे चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब इसमें बेसिकली आप जान सकते हो कि इसमें से के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है नीट के लिए। आप इससे कैसे पता चल सकते, देखो यहाँ पे 411 यानी कि आपको पता चलता है कि लॉज ऑफ मोशन में 2023 में, एंड इसको आप ऐड करके देख सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो या
सो गाइज आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं। सो ये केमिस्ट्री का है, आप इसमें जैसे मैंने इसमें फिजिक्स के लिए बताया है सेम वैसे ही केमिस्ट्री के लिए भी है। सो आगे बढ़ते हैं। सो एंड सेम बायोलॉजी के लिए भी है। आपको ये भी पता चल सकता है कि ये लेटेस्ट सिलेबस 2024 जो नीट अपडेट NTA के द्वारा अपडेट किया गया है, तो इसमें टोटल ये जो सिलेबस है वो भी आपको इसमें ऐड किया हुआ है, तो आपको कहीं से जाके PDF और निकालना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिलेबस है वो भी ऐड किया है, तो आप यहाँ पे आप अगर स्टडी करोगे तो आप पहले यहाँ सिलेबस देख लोगे, देन आप स्टडी करोगे, तो आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, आपको PDF नहीं निकालना पड़ेगा, तो गुड है। सो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। सो यहाँ पे केमिस्ट्री के भी लिखे हुए सिलेबस, सो इसमें इनऑर्गेनिक के हैं एंड बायोलॉजी। सो अब यहाँ से मेन स्टार्ट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, ये फिजिक्स के माइंड मैप और निमोनिक्स हैं, मैंने पहले ही बताया था, मैंने केमिस्ट्री के माइंड मैप्स देखे हैं एंड अदरवाइज फिजिक्स के भी हो सकते हैं बट बायोलॉजी के नहीं होते हैं। सो यहाँ पे है फिजिक्स के निमोनिक्स, मैं इसका जो इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे पढ़ने के लिए, मस्त लग रहा है मतलब ऐसे देखने के लिए नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको टोटल एक बुक का जो फ्लो चार्ट होता है ना पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो आपको जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, मैं अपने आप से बता रही हूँ, मैंने इतना शॉर्ट नोट्स बनाया बट मैंने सोचा इससे ही मतलब पढ़ लूँगी एंड शॉर्ट नोट्स तो मैंने बनाया, वो तो मेरी मेहनत है बट कोई ना। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप फ्लो चार्ट बना हुआ है, सो इट्स सो गुड। आप देख सकते हो इसमें 11th एंड 12th दोनों के निमोनिक्स हैं। सो अब मेन पार्ट पे आते हैं। सो ये फिजिक्स के निमोनिक्स हैं। सो मैंने ये देखा तो सो सरप्राइज कि ऐसा भी हो सकता है, स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बट मैं इसका पूरा रिव्यू बताऊंगी, कि आपकी मर्जी आपको खरीदना या नहीं खरीदना। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे गाइस देख सकते हो यूनिट 1 यूनिट 2 पूरे 11th एंड 12th के सबके निमोनिक्स हैं। यहाँ पे कितना मस्त दिया हुआ, गुड वर्कर्स वर्क फॉर एक्सटेंडेड सेशन, कितना मतलब अच्छा है ये, यहाँ पे देखो कितना मस्त दिया हुआ है यहाँ पे। सो गाइज मैं भी केमिस्ट्री माइंड मैप और निमोनिक्स के बारे में बताती हूँ। सो गाइज आपको पता होता है जो नीट प्रिपरेशन करता है तो पीरियोडिक टेबल मतलब याद करने के लिए मेमोराइज करने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। आई नो मैं भी खुद इनिट स्पेंट है, मेरे को ही पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए। सो इसमें सेम माइंड मैप और निमोनिक्स भी वो भी पीरियोडिक टेबल के हैं, सो आपको ईजी होगा याद करने में। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या सब है। सो गाइज आप लोग तो जब मतलब यूट्यूब पे आप देखते हो तो माइंड मैप जो होता है आप उस पर वीडियो देख लेते हो, बट इसमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ है। सो आप कहीं पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बुक खरीदना। सो मैं इसका बाद में प्राइस भी बताऊंगी ये कितने प्राइस के हैं, बट इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है बताते हूँ। सो ये टोटल हर चैप्टर के माइंड मैप है, टोटल मैंने बोला ना 11th एंड 12th दोनों के माइंड मैप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। सो आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी मैं केमिस्ट्री के निमोनिक्स के बारे में बताती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पर पहले देख लो ये पेज। एंड गाइस मेरे को क्या लगता है, मैंने ऐसे ही बुक सोचा था कि मेरे को ट्रिक से साथ मतलब पढ़ना है तो उसमें इजी भी हो जाएगा। आई नो ट्रिक नहीं ठीक होता है बट एग्ज़ाम के बेसिस पे मतलब नीट के लिए ट्रिक भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है गाइस कमेंट में बताना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी ट्रिक के साथ, जो ये ए फास्ट कार हाइड ओवर ए वैन, सो यहाँ पे भी फार्मूला सी एटम कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम एंड वेरीफाई, ये इसके बारे में बताया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज आई एम सो क्यूरियोसिटी, आगे ये मैन बायोलॉजी के निमोनिक्स है। सो आप यहाँ पे देखो बायोलॉजी माइंड मैप और निमोनिक्स। सो आई नो आप लोग जानते हो कि माइंड मैप्स तो बायोलॉजी के मिलते बट निमोनिक्स भी, आई एम सो हैप्पी कि ये निमोनिक्स बायोलॉजी के भी निकले हैं, वाह। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो लिविंग वर्ल्ड के ये माइंड मैप है। सो बेसिकली 11th एंड 12th दोनों के माइंड मैप एंड निमोनिक्स हैं। सो मैं आगे दिखाती हूँ उसमें क्या है। सो एनिमल किंगडम,
जो इसमें कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है 11th के लिए। सो आप लोग तो पता है अगर नीट एस्पिरेंट है तो। सो नोट्स होते हैं जूलॉजी एंड बेसिकली ज़्यादा बॉटनी के लिए वो कितना डिफिकल्ट होता है पूरा मतलब होल मतलब रिवाइज करने के लिए। बट गाइज ये निमोनिस इतना अच्छा है कि आप मतलब कि ये भी नीट से पहले ये भी पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे ये मेरे को लगता है। सो गाइज इसमें फ्रॉग का पार्ट जो था वो डिलीट था पहले, इसमें देख सकते हो यहाँ पे कॉकरोच के हैं और यहाँ पे कॉकरोच के ये फ्लो चार्ट बने हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो गाइज। सो गाइज आप यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स के भी देख सकते हो। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है 11th के पोर्शन में, बट यहाँ पे फ्लो चार्ट अगर आप यहाँ पे रीड कर लोगे तो ये आपको मतलब कि डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये। सो आगे बढ़ते हैं गाइज। मैं एक सजेशन दूँ, जो भी अभी शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो वो आप स्किप कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाओ चलेगा, मैंने तो इतना पोथियाँ बना चुकी हूँ शॉर्ट नोट्स के। सो आप चाहो तो इसमें पूरा रीड कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सजेशन से आपको लगता है तो ठीक लगता है तो आप वो करना। सो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फाइनली निमोनिक्स बायोलॉजी के आ गए हैं। सो आप यहाँ पे देखो लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के हैं, ग्रेट मदर कुड रेस्ट। सो ये भी निमोनिक्स है, आपको इजी रहेगा याद करने के लिए, हर चैप्टर के हैं शॉर्ट शॉर्ट के, ये भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पेज। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट पोर्सन पे आती हूँ जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल स्टूडेंट के लिए। सो आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देते हो एंड ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बस टाइमर लगाना है, देन आपको ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, एंड ये बता दूँ बेसिकली 10 मॉक टेस्ट पेपर है। सो आपको टाइमर लगाना है, देन आपको ये सॉल्व करना है। सो टाइम इसमें है 3 आवर और मार्क्स है 720 जो सेम बेसिस पे है, नीट के बेसिस पे है। सो आपको बेसिकली एकदम नीट का जैसे वाइब गाइस, बस आपको एक रूम लेना है, देन आपको ये बस बुक उठाना है एंड कॉपी उठाना है, बस आपको ये सॉल्व करना है एंड टाइमर लगा देना 3 आवर के। सो आपको सेम नीट जैसा वाइब आएगी। सो इस सो गुड। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, देन आपको आंसर देखने की है मतलब मैच हो गए कि नहीं हो गए। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। सो फिजिक्स में तो आपको मतलब जो आंसर की है नॉर्मल ABCD वो करना नहीं पड़ेगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो आपको गूगल पे जाके देखना नहीं पड़ेगा इसका आंसर क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे बॉटनी के भी एक्सपेक्टेशन दिए हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे जूलॉजी के भी एक्सपेक्टेशन दिए हुए हैं। सो गाइज इसके इम्पोर्टेंट एक और मैं बताती हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए अच्छा है। सो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो ओमर सीट भी है। सो जैसे नीट की वाइब आती है सेम वैसे ही आपको अगर मॉक टेस्ट पेपर दोगे देन आप यहाँ पे ओमर सीट में फिल करोगे तो आपको सेम नीट के जैसा मतलब नीट के जैसा ही आपको वाइब आएगी। सो आई नो आपको लगता होगा ऐसा, मेरे को तो बहुत लगता है ये ओमर सीट में अगर मैं सर्कल करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो सेम जैसे नीट मैंने एग्ज़ाम दे रही हूँ सेम वैसे ही लगेगा। सो आप गाइज आप लोगों को भी पता होगा मॉक टेस्ट पेपर कितना इम्पोर्टेंट है। सो या सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं एंड उसके साथ ओमर सीट भी है। सो टोटल में ओमर सीट भी है। सो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। सो मैंने इसकी बुक के बारे में पूरा बता दी हूँ। सो अगर आपको गाइज ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। सो वहाँ से आप जाके चेक कर लो एंड जाके ऑर्डर कर लो। सो गाइज इट्स सो नाइस बुक एंड मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ तो मेरे को पता है कि ये बुक मतलब नीट एस्पिरेंट के लिए बेटर है या नहीं है। सो मेरे को लगता है ये बुक 100 out of 100 इसका रेट है। सो आप जाके चेक कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल भी दी हुई है। सो उसमें जाके चेक करें। कॉस्ट है 599 rupees। सो ये भी ज़्यादा मतलब कॉस्ट नहीं है, जो नीट एस्पिरेंट है वो
मतलब ऑब्वियसली खरीद सकते हैं ये बुक। सो गाइज एंड गाइज इफ यू गाइज एनी रिलेटेड क्वेश्चन फॉर दिस बुक सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो या गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना कि रिव्यू कैसी है एंड ये बुक कैसी है, तो आप कमेंट में जरूर बताना सो मेरे को पता चलेगा। सो या